उधर देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार खराब हो रही स्थितियों के बीच तमाम राज्य सरकारें अपने यहां प्रतिबंध लगा रही हैं। इन्हीं मसलों पर बात करते हुए बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप बंगाल तो चुनाव हो रहा है, वहाँ कोविड ज्यादा फैल गया होगा, वहाँ आवश्यकता जरूर इस बात की होगी, लेकिन संपूर्ण भारत में वैक्सीन की आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि चुनाव के दो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि कोविड का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल बन जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल चुनाव में लगे थे और वहां से निकले हैं, तो सब कोविड में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगाल में सबसे ज्यादा दवा और इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, और संपूर्ण भारत प्रधानमंत्री जी का है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पे बंगाल में सारी दवा उपलब्ध करानी चाहिए। और इसलिए भी करानी चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री जी बंगाल देखिए, लगातार भारत सरकार को WHO आगाह करता रहा कि जो आने वाले समय में कोविड का प्रकोप होगा वह भारत के लिए झेलना मुश्किल हो सकता है अगर भारत सतर्क नहीं हुआ। तो WHO के रिपोर्ट को लगातार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी दबाते रहे और छुपाते रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका सारा समय बंगाल चुनाव में जाए। अगर समय रहते WHO के बात को मान ली जाती तो इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी मौतें नहीं होती। और जितना सबसे सर्वाधिक आज बता रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से रोज सर्वाधिक हो रहा है, और जो पिछले कोरोना काल से कई गुना अब ज्यादा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से माफी मांगे और अब जो भरपूर व्यवस्था हो सकता है वो करे, राजनीतिक रैलियां वो रद्द करे और आवाम की सेवा में लगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जो धर्म और कर्तव्य होता है इसका पालन प्रधानमंत्री जी करें, अब तक वो नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, उनके सहपाठी अमित शाह जी भी जानते हैं, और उसके साथ साथ देश और दुनिया के लोगों ने भी जाना है जो मनमोहन सिंह जी जो कार्य रहा है, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में हो, चाहे भारत के गवर्नर के रूप में हो, या प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री से हटने के बाद हो, जो जो भारत में उन्होंने प्लान किया है वो भारत के लिए फलीभूत हुआ। राहुल गांधी भी जो आगाह करते हैं वो भारत में बाद में आवश्यकता होती है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को आज भी प्रधानमंत्री जी मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कोविड से लड़ने में एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। जिस प्रकार से आर्थिक नीतियों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, जिसका दुष्परिणाम उन्होंने देखा, आज वक्त है कि राग द्वेष से अलग, दुर्भावना से अलग, पार्टी लाइन से अलग हटके प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात माने। और यह प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह की विद्वता और दक्षता के बारे में भारत का दुनिया ने लोहा माना है। मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुन रहा था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।